यस। तो सबसे पहले देखो, मुझे ये बताओ आप लोग कि एल्डिहाइड और ये जो कीटोन्स होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, इनकी प्रिंसिपल रिएक्शन कौन सी है, मेन रिएक्शन कौन सी है इनकी? एडिशन, न्यूक्लिक एडिशन, नहीं, विच एडिशन? क्या? एडिशन, यस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यस यस यस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इनकी मेन रिएक्शन है, ठीक है। वो क्यों है ये हम यहाँ पर देख चुके हैं, न्यूक्लियोफाइल क्यों भाई क्यों अटैक करता है कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर, उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है, दैट इज अ सीड सी डबल बॉन्ड, वो क्या है, एक पोलर ग्रुप है, पोलर बॉन्ड है, वहां पोलरिटी है, ठीक है। जो कार्बन है वो कौन सा सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है या न्यूक्लियोफिलिक? कार्बन जिसपे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए यस यस यस, इसलिए न्यूक्लियोफाइल वहां आकर के अटैक करता है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल ये रिएक्शन स्टार्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट करता है ये रिएक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक। और एडिशन क्यों, क्योंकि ओवरऑल क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जाकर के ऐड हो रहा है, किसी का सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा, ठीक है, ऐड हो रहा है सिंपली जाकर के। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप में जो स्लो स्टेप है उसमें टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनता है जो कि एक एल्कोक्साइड होता है, वो सेकेंड स्टेप में प्रोटोन कैप्चर कर लेता है, कहां से, रिएक्शन मीडियम से, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, ओवरऑल रिएक्शन हो गई जो सी डबल बॉन्ड ओ है उस पे किसका एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल, और बताना जरा किसका एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल और सी डबल बॉन्ड ओ पे ओवरऑल किसका एडिशन हो गया, बताओ, न्यूक्लियोफाइल और एक ग्रुप और एल्कोक्साइड ग्रुप। देखो किसका एडिशन हो गया है ना, मैं बहुत ही सिंपल सा यहाँ लिख करके बताता हूँ आप लोगों को, ये समझ में आएगा, ये आपको सामने ही दिख रहा है ना, ये यहाँ पर दिख ही रहा है कि एक तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और एक प्रोटॉन किस पे, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे या कार्बोनिल ग्रुप पे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, देखो ओवरऑल रिएक्शन यही तो है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, हमने देखा है रिएक्शन रिवर्सिबल है। न्यूक्लियोफाइल और एच का एडिशन होता है कहां पे, न्यूक्लियोफाइल निगेटिव चार्ज, ये प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर निगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल यहां गया, प्रोटोन कहां गया भाई बताना जरा, ऑक्सीजन के ऊपर, ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गई, ये लो, ये अब हो गया, एक तो हो गया ऑक्सीजन और एच और एक हो गया NU, यही तो है फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं आया आपको, बोलो भाई। तो ओवरऑल सी डबल बॉन्ड ओ पे किसका एडिशन हो गया बताना जरा, न्यूक्लियोफाइल और प्रोटॉन का, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और प्रोटॉन का। अब हमने ये रिएक्शन, हमने ये रिएक्टिविटी देखी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्टिविटी किसके लिए, ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इसके लिए क्या होती है, किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो हमें क्या कंक्लूजन मिला, एल्डिहाइड और कीटोन में किसकी ज्यादा होती है बता रहे जरा, एल्डिहाइड की। दो ये चीज याद ही कर लो, ये हमने सेंटेंस लिखा हुआ है एक जगह, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। रीजन यहाँ पर दो है, एक स्टेरिक रीजन है, कीटोन्स में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, दो बल्की ग्रुप होते हैं, और एक है इलेक्ट्रॉनिक रीजन, इलेक्ट्रॉनिक रीजन इट मींस इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब है ना, अब आप मुझे ये बताएंगे इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, दिस इज कार्बन एटम ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज कार्बन एटम ऑफ कीटोनिक ग्रुप, बताओ कौन सा मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, एल्डिहाइड, बोलो भाई, एल्डिहाइड वाला। उसका रीजन ये है क्योंकि जो कीटोन वाला कार्बन है उसके उसके उस पर ये जो दोनों आर ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, इनके प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मेकअप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी नहीं है, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो
इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो ज्यादा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड में जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन जिसको बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है. इट मींस दैट इज हैविंग अ ग्रेटर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन्स. ओके, तो इसलिए अब ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक ये हुआ तो न्यूक्लियोफाइल को इजीली अट्रैक्ट ये करेगा ना. यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई एल्डिहाइड्स आर ग्रेटर रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ये तो बात हो गई. अब ये वाला बताओ भाई, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट. हमने देखा कीटोन्स में प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, बताना जरा. रिएक्टिविटी कम कर रहा है ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम करेगा प्लस आई इफेक्ट. ये देखो हमने यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है कि प्लस आई इफेक्ट इधर सप्लाई करेगा, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, है ना. इधर सप्लाई करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, वो मेकअप हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए प्लस आई इफेक्ट यदि होगा सब्स्टिट्यूएंट का तो इलेक्ट्रो प्लस आई इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, है ना. तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट. ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट होंगे तो वो कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाएंगे. ठीक है, तो अब एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड में कौन ज्यादा होता है, बताना जरा रिएक्टिव. ये हमने एग्जांपल लिया हुआ है, एक एरोमेटिक है, एक एलिफेटिक वाला ज्यादा होगा. क्यों भाई, एरोमेटिक में क्या हो गया ऐसा? यस, एरोमेटिक में रेजोनेंस ने क्या किया, रेजोनेंस ने इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर दी. ये देखो एरोमेटिक में ये जो कार्बन है एरोमेटिक एल्डिहाइड में, इस पे देखो पॉजिटिव चार्ज ही नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग ने अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिए, वहां डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं हो रही. ठीक है, जो कि एल्डिहाइड में, एलिफेटिक एल्डिहाइड में ज्यादा हो रही है, इसलिए ये जो कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है. एरोमेटिक एल्डिहाइड का जो कार्बन है दैट इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक. ठीक है, तो ये हो गया. अब हमारा जो 12.4 था वो काफी इंपॉर्टेंट है. आपने इसको सोल्व किया, किस किस ने किया, ईमानदारी से बताना. नहीं किया सर. करना चाहिए भाई, करना चाहिए, क्योंकि ये जो इंटेक्स क्वेश्चन है ये आप लोग सोल्व नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा. फाइनली ये आपको करना ही है, और जब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसके यदि उसका इंटेक्स क्वेश्चन हम तभी कर लें तो हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है ना. हम कम से कम वो कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, और इसका ये कितना इंपॉर्टेंट है करना टाइम पे, है ना, इंटेक्स क्वेश्चन को सोल्व करना, ये आप अभी देखेंगे. ये हम यहाँ से एक ये क्वेश्चन उठा लेते हैं और इनको सीधा ही किस में कन्वर्ट करना है, इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर देना है, है ना. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला. ठीक है, इनको रिएक्टिविटी ऑर्डर देना है. भाई बताओ भाई, पहले वाले में क्या होगा, ब्यूटेनॉन का कम होगा. ब्यूटेनॉन का कम होगा सबसे, ब्यूटेनॉन का सबसे, ब्यूटेनॉन का कम होगा. क्यों, रीजन क्या है, रीजन क्या है? देखो सबसे पहली बात है, फटाफट हम इसको करते हैं. सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहले वाला. ठीक है, पहले वाले में स्ट्रक्चर हम बनाते हैं. देखो स्ट्रक्चर बिना बनाए, है ना, होता नहीं है. तो सबसे पहले हम बनाते हैं इथेनेल का, ये हमारा इथेनेल हो गया. प्रोपेनेल का, ये हमारा थ्री कार्बन एल्डिहाइड प्रोपेनॉन प्रोपेनेल. फिर बनाएंगे प्रोपेनॉन का, प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन, ये हमारा ब्यूटेनॉन हो गया. अब हमारा प्राइमरी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, किससे, किससे, कीटोन से. तो ये दोनों कीटोन है, नंबर थ्री नंबर फोर कीटोन है, तो इनकी इनकी रिएक्टिविटी कम होगी नंबर वन से और नंबर टू से, क्योंकि ये दोनों एल्डिहाइड है. ठीक है, एल्डिहाइड में भी अब आप देखो बहुत सिंपल सी बात है, है ना, एल्डिहाइड में भी वन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, राइट, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है और नंबर ऑफ एल्काइल, जो एल्काइल ग्रुप है उसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो भी कम है, है ना. तो यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, फिर इसकी इससे कम होगी, फिर ये कीटोन है, ये लो, ये तो यही ऑर्डर हो गया. इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना. दोनों कीटोन बाद में आएंगे, दोनों कीटोन बाद में आएंगे. ठीक है, तो देख लो दोनों कीटोन बाद में आए हुए हैं और स्टेरिक हिंड्रेंस ब्यूटेनॉन में ज्यादा है प्रोपेनॉन से, इसलिए इसकी और कम हो जाएगी. ठीक है, एल्डिहाइड वाले में ये बड़ा एल्काइल ग्रुप है इसलिए इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो ये इसकी उससे नंबर वन से कम हो जाएगी. ठीक है, ये तो हुआ ये. अब दूसरे वाला जो है वो दैट इज वेरी डेंजरस, दैट इज वेरी डेंजरस, जो दूसरे वाला है वो काफी ज्यादा डेंजरस है. ठीक है, तो हम दूसरे वाला ले लेते हैं फटाफट.
यहां से इसको कॉपी करते हैं और हम जाते हैं नीचे। यस, अब आप दूसरे वाला देखेंगे, फटाफट बताइए दूसरे वाले के स्ट्रक्चर बनाइए, फटाफट कॉपी के अंदर स्ट्रक्चर बनाइए। जब तक आप लोगों का पेन चलेगा नहीं ना, तब तक आप लोग पकड़ नहीं पाओगे, है ना। सबसे पहले लेते हैं बेंजल्डिहाइड, ओके। उसके बाद लेते हैं पी टोलुएल्डिहाइड। अब आप पी टोलुएल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या? पैरा पे क्या लगाना है बताना भाई, एल्डिहाइड तो ये पैरा पे मिथाइल लगाएंगे, है ना। यस, ये हो गया पी टोलुएल्डिहाइड और ये हो गया पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बेंजल्डिहाइड बनाओ और लगाओ पैरा पे एनओ टू, हो गया। उसके बाद में एसिटोफिनोन, ये तो अब एसिटोफिनोन ये तो अब भूलोगे नहीं ना, इतनी बार मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये हो गया नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। बताओ भाई रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? यहां पर आपको ध्यान रखना प्लस आई माइनस आई वो कंसिडर करना पड़े। फोर की सबसे कम होगी, देखो फोर की सबसे कम होगी बिकॉज दिस इज कीटोनिक ग्रुप, ये कीटोनिक ग्रुप है और ये बाकी सारे तीन एल्डिहाइड है। वन टू थ्री आर एल्डिहाइड, नंबर फोर इज कीटोन, राइट, है ना। तो फोर की सबसे कम होगी। और बताओ भाई फोर की सबसे कम होगी इसके अलावा? सर फिर अब देखो यहाँ पर प्लस आई और माइनस आई काम करेगा। अब मुझे ये बताओ ये जो कार्बोनिल कार्बन है एल्डिहाइड का, ये इस CH3 ग्रुप का तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और NO2 का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कौन इंक्रीज कर रहा है बताओ? NO2 तो यस NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो विड्रॉ कर रहा है, सारे लोग समझो इस बात को, NO2 का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है ना, तो NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। अब खींच रहा है तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो गया ना, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होने की वजह से वो न्यूक्लियोफाइल को अब ज्यादा इजीली इनवाइट करेगा। तो ये जो माइनस आई वाला है, और ये हमने वहां भी देखा है, ये देखो यहां हमने लिखा है, है ना, यहां हमने लिखा है कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी प्लस आई इफेक्ट के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेते हैं, विड्रॉ करते हैं, इसलिए जो कार्बोनिल कार्बन पे है उस पर डेफिशिएंसी बढ़ जाती है, ना, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर ये CH3 वाला है ये तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट वाला ये बढ़ा रहा है, और ये इन दोनों के बीच की सिचुएशन होगी न्यूट्रल सिचुएशन नंबर वन, ठीक है। तो टू की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे कम है इन तीनों में, वन टू थ्री में, फिर उसके बाद नंबर वन आएगा क्योंकि इंटरमीडिएट सिचुएशन है, उसके बाद माइनस आई इफेक्ट वाला थ्री, है ना। तो ये हो गया इसका ऑर्डर, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे फोकस करना है, एल्डिहाइड्स में कंपैरिजन करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे फोकस करेंगे। अब यहां पर ये तीनों एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसलिए रेजोनेंस वाला तो सबके लिए कॉमन है, है ना, तो वो यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से अब आपने देखा ये कितना इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन सोल्व करना, है ना, ओके। तो अब ये हमारा हो गया, है ना। अब आप लोग रिएक्टिविटी बता सकते हो कि किसकी किसकी ज्यादा है, एल्डिहाइड की ज्यादा है किन से, कीटोन से, और एरोमेटिक एल्डिहाइड की, एरोमेटिक सीएचओ की एल्डिहाइड की किससे कम है बताना जरा, एलिफेटिक आरसीएचओ से, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखना पड़ेगा, ओके, किसकी ज्यादा है किसमें कम है, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। अब जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ध्यान देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, है ना, ओके। तो अब हम लोग करने वाले हैं, आप लोग एक अच्छा सा हेडिंग लगाइए, फ्रेश पेज में लगाइए, है ना, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये लो भाई, इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हमारा इंपॉर्टेंट हेडिंग हो गया। अब हम सारी रिएक्शंस वो देखेंगे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, किसकी कार्बोनिल कंपाउंड्स की, एल्डिहाइड और कीटोन की, ठीक है, वो सारी रिएक्शंस अब हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आप लोग रिएक्शन लगाएंगे नंबर वन,
नंबर वन दैट इज एडिशन ऑफ, लिखते जाओ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड. ये लो, हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCN. ठीक है, इसका एडिशन करेंगे हम किस पे करेंगे? कार्बोनिल ग्रुप पे, है ना. देखते हैं क्या बनते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, देखते हैं. तो सबसे पहले लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, आप लोग भी लीजिए आराम से, लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करो सारी की सारी रिएक्शन, ताकि आपको राइट में ज्यादा जगह मिले लिखने के लिए. ठीक है, तो ये हमने किया. इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बताना जरा, न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा कार्बन पे, बताओ जरा. न्यूक्लियोफाइल क्या होगा CN में? यस, CN माइनस. अब न्यूक्लियोफाइल यहां CN माइनस है, देखो वो किस पे जाएगा? सीधा ही जाएगा वो कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा. ठीक है, और ये अब क्या बनने वाला है बताना जरा, क्या बनता है फर्स्ट स्टेप में, बोलो भाई. फर्स्ट स्टेप में क्या ऑक्सोनियम? नहीं, ऑक्सोनियम आयन क्यों बनेगा? आप मैकेनिज्म देखो फटाफट और मुझे बताओ फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है. सर, एडक्ट बनेगा क्या? अरे एडक्ट तो बाद में बनेगा, उससे पहले क्या बनेगा बताओ. उससे पहले ये क्या बन गया? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट नहीं बनेगा ये. पहली स्टेप में देखो क्या बन रहा है, मैकेनिज्म देखो. टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट देखा आपने मैकेनिज्म? ये देखो अब आपके सामने है मैकेनिज्म. पहली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, प्लेनर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp3 में कन्वर्ट हो रहा है, और एक एल्कोक्साइड टाइप का इंटरमीडिएट बन रहा है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. ठीक है, उसके बाद में वो प्रोटोन लेकर के फिर बाद में फाइनल एडक्ट बनाएगा ना. वो बात समझ में आई? ये सेकेंड स्टेप में होता है, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्शन जो है, प्रोटोन कैप्चरिंग, वो सेकेंड स्टेप में हो रही है ना. तो टेट्राहेड्रल जो है वो सेकंड स्टेप में आकर के वो काम करता है. ओके, तो है ना, इस तरह से आप लोग ये भूलो मत, ये बन गया हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, है ना. ये तो बेचारा अनस्टेबल होता है, ये तुरंत प्रोटॉन कैप्चर करता है. ठीक है, तुरंत के तुरंत ही प्रोटॉन कैप्चर करता है. सारे रिएक्शन जो दोनों स्टेप है वो रिवर्सिबल होते हैं, ये हम जानते हैं. और प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऐसे की ऐसे बना दो बस, जहां ओ था अब वो OH हो गया, एक प्रोटॉन और आ गया और ये हो गया CN. ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बन गए उनको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन. क्या बोलते हैं? इनका नाम याद रखना, साइनोहाइड्रिन. इनको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन. तो ये एडिशन प्रोडक्ट हो गया साइनोहाइड्रिन, यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट है. ठीक है, देख लो भाई, हमने जो अभी देखा था कि सी डबल बॉन्ड ओ पर किस किस का एडिशन होगा, न्यूक्लियोफाइल और प्रोटोन का, हमने वही किया है. सी डबल बॉन्ड ओ पर न्यूक्लियोफाइल और प्रोटॉन. न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है किससे? कार्बन से. प्रोटॉन किससे ऐड होता है? ऑक्सीजन से. इतना क्लियर है? ठीक है, ये रिएक्शन देखो सेम पैटर्न की रिएक्शन चलेगी सारी की सारी. ये भी सेम पैटर्न की है, जैसे हमने मैकेनिज्म देखी है वैसे की वैसे ही है. ये फर्स्ट स्टेप टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, सेकंड स्टेप प्रोटॉन कैप्चरिंग, और वो जो एल्कोक्साइड टाइप जो ग्रुप था ओ माइनस, वो OH में कन्वर्ट हो गया. प्रोटॉन वही जाएगा ना, वही ना, निगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो ये हो गया एडिशन ऑफ HCN. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वो आप लोग लिखते जाओ भाई, वो आप लोग लिखते जाओ. पहला पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट है कि यहां पर हम बेस कैटलिस्ट यूज करते हैं. चलो लिख लो, मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को, लिख लो. रिएक्शन इज स्लो इफ प्योर HCN इज यूज्ड. ये लो भाई, रिएक्शन इज स्लो इफ प्योर HCN इज यूज. प्योर HCN हम लोग यूज लेते हैं ना, तो रिएक्शन क्या होती है? स्लो होती है. स्लो क्यों होती है? स्लो क्यों होती है भाई? बिकॉज जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन है यहां पर? CN माइनस इज स्लो. ये लो भाई, न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन स्लो होता है जब प्योर HCN होती है, तब इसलिए रिएक्शन क्या होती है, क्या होती है? स्लो होती है. तो हम क्या करें इसके लिए, क्या करें भाई रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए? देयरफॉर क्या करते हैं, देखो, देयरफॉर रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय ए बेस. ये लो भाई,
एक बेस से कैटेलाइज करते हैं इसको टू इंक्रीज द रेट, ये लो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, बेस से इसको कैटेलाइज किया। अब कोई कहेगा बेस से किया, लेकिन बेस ने क्या किया, तो बेस ने ये किया भाई, HCN है आपका, देखते जाओ HCN है, HCN से ये जो बेस है ये इससे रिएक्शन करके सीधा ही ये जो CN जनरेशन का प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है। ये लो CN माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है उसको जनरेट करने का जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बेस एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं इस रिएक्शन में, सो दैट द रिएक्शन मे बी कंप्लीटेड विद अ सफिशियंट रेट। ओके ओके, सेकेंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो साइनोहाइड्रिन्स हैं ओके साइनोहाइड्रिन्स आर इंपॉर्टेंट सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स। ये लो भाई, ये जो साइनोहाइड्रिन्स हैं ये इंपॉर्टेंट सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनसे काफी सारी चीजें बना सकते हैं, और ये आप जानते भी हो कि इन साइनोहाइड्रिन से हम लोग काफी सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे ये जो R साइनोहाइड्रिन यही तो है OH, और यहाँ पर CH और यहाँ पर CN, यही तो हो गया साइनोहाइड्रिन, है ना, ये एल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम लोग उससे कराएंगे, किससे, हाइड्रोलाइसिस इसका कराएंगे। बताओ क्या बनेगा, हाइड्रोलाइसिस पे क्या हो जाएगा, बताओ CN ग्रुप का क्या हो जाएगा, मैंने कई बार बताया हुआ है, बोलो भाई। CN ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैंने कई बार बताया हुआ है कि RCN का हाइड्रोलाइसिस करा दो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बताओ भाई RCN, अब आपके पास CN आ गया ना, तो RCN का आप रिडक्शन कराओगे LiAlH4 से रिडक्शन आप कराओगे तो ये लो एमीन बन जाएगा। ये लो, कहां दिक्कत है, RCH2NH2 दो हाइड्रोजन यहां अटैच हो गए और दो हाइड्रोजन यहां अटैच हो गए, तो RCH2NH2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, और इसका रिडक्शन एक और भी तो लिया था हमने डाइबेल एच से, उसमें क्या होगा बताना जरा, डाइबेल एच से क्या बन जाएगा, बोलो बोलो भाई, नाइट्राइल्स को करेंगे CN ग्रुप, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से ये जो CN ग्रुप वाले जो कंपाउंड है इनसे हम लोग काफी सारे और कंपाउंड भी बना सकते हैं, इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंथेटिक इंटरमीडिएट है। बात आपके समझ में आ गई, है ना, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो बेस कैटलिस्ट यूज लेते हैं, yes, क्योंकि प्योर जो HCN होता है उसके वो जब यूज लेते हैं तो रिएक्शन स्लो होती है, इसलिए बेस कैटलिस्ट यूज लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। अब ये हो गया HCN का, अब अगला लेते हैं सेकंड लगाओ अच्छे से, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें यही तो खास बात है इनकी, एडिशन ऑफ NaHSO3, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये लो भाई, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या इसको एक दूसरा नाम और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसी को ध्यान में है क्या, सोडियम बाइसल्फाइड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम एडिशन कराएंगे किस पे, कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड्स पे, है ना। तो बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, कैसे देख लो कैसे इजी है, ये हमने लिया कौन सा हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड लिया, कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इससे हम रिएक्शन कराएंगे किसकी, ये हमारा जो है सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बताना जरा, न्यूक्लियोफाइल हमें हर में पहचानना पड़ेगा, बोलो भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होगा इसमें, सोडियम बाइसल्फाइड में SO3H,
SO3H है ना, यस यस। और न्यूक्लियोफाइल में देखो नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन पे है, किस पे है, ऑक्सीजन पे। इसलिए हम यहाँ पर ये जो इसका न्यूक्लियोफाइल है वो इस तरह से हम इसको लिखेंगे OSO2H, ये लो, ये इसका स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, ठीक है ना। और इस पे माइनस होता है और सोडियम पे क्या होता है, प्लस, ये इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये सीधा जाएगा कहां, कार्बोनिल कार्बन पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्ट्रक्चर कैसी बनती है वो हम लिख देते हैं। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पे आएंगे ही आएंगे, ये आप लोग जानते ही जानते हो, ठीक है। तो ये क्या बना भाई, इंटरमीडिएट बना देते हैं पहले। इंटरमीडिएट कैसे बना, ये दो वैलेंसी ऐसे की ऐसे, एक तो वहां गया SO2H, ये तो ऐड हो गया न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ ऑक्सीजन से माइनस और Na प्लस, ये लो भाई, ये जो Na प्लस था ना वो यहाँ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, होना ही था क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलकर के सॉल्ट तो बनाएंगे यदि अगल बगल में कहीं है तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड स्टेप में होगा इसमें प्रोटोन ट्रांसफर। ये देखो अब यहाँ पर देखो प्रोटोन ट्रांसफर होगा, यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, क्यों, यहाँ पर प्रोटॉन कैप्चरिंग की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि प्रोटॉन यहीं पे है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन तो इधर आ जाएगा और Na प्लस उधर चला जाएगा, ठीक है। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बना, देखते जाओ OSO2Na, ठीक है, और इधर क्या बना OH, ये लो भाई ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट। ये क्या है, बाइसल्फाइट, उसका नाम साइनोहाइड्रिन था, सबके नाम याद रखना इनके, बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट। ये नए नए नाम आ रहे हैं अब आपके सामने, ठीक है, बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट। और ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, यानी कि पीपीटी आता है इसका, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं क्रिस्टलाइन पीपीटी अपियर होता है इसका, जैसे ही रिएक्शन कराते हैं ना तो टेस्ट ट्यूब में जनरली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है ये, है ना, है ना, और कई बार पीपीटी भी अपीयर होता है। तो ये क्रिस्टलाइन पीपीटी की फॉर्म में ये आता है, कौन, बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गए, ये बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट आपका बन गया, ठीक है। अब प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में आपने देखा किस तरह से न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है और किस तरह से ये जो है प्रोडक्ट बन रहा है। अब इस रिएक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है, है ना, हर रिएक्शन से रिलेटेड हम लोग जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, नंबर वन नोट करो फटाफट, पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये लो भाई, पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज टूवर्ड्स, किसकी तरफ है, इज टूवर्ड्स RHS फॉर मोस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स, ये लो, एल्डिहाइड्स के केस में इक्विलिब्रियम किधर रहेगा भाई, बताना जरा, राइट हैंड साइड, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ रहेगा, है ना, यानी कि प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कब अचीव करेगी रिएक्शन, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा तब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड के केस में इक्विलिब्रियम होगा राइट साइड में, यानी कि प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा बनेगा, ठीक है। और कीटोन में रहेगा LHS लेफ्ट हैंड साइड में फॉर मोस्ट ऑफ कीटोन्स, ये लो, ठीक है, मोस्ट ऑफ कीटोन्स में इक्विलिब्रियम रहेगा किधर, लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्या कोई रीजन बता सकता है क्या, रीजन बता सकता है क्या, बोलो, बिकॉज ऑफ, देखो वही रीजन, कीटोन्स की रिएक्टिविटी कम क्यों होती है, स्टेरिक इफेक्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीजंस इन कीटोन्स, ये लो भाई, कीटोन्स में क्या है, स्टेरिक रीजन है, स्टेरिक इफेक्ट है, है ना, उसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, या फिर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एल्डिहाइड्स अच्छी तरह से रिएक्ट करते हैं, कीटोन्स का जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी अचीव हो जाता है, कम प्रोडक्ट बनते ही इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ पहला पॉइंट, अब लेते हैं अगला पॉइंट, नंबर टू, ठीक है, नंबर टू देखो क्या हुआ, नंबर टू है ये रिएक्शन, है ना, ये एक काफी एक जो हमारे काम आती है रिएक्शन, है ना, क्या काम आती है वो देखते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज टू, लिखो फटाफट, दिस रिएक्शन इज used for लिख लो, separation, this reaction is used for separation and purification
ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड. ये लो भाई, फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड. जो नॉन कार्बोनिल कंपाउंड है जैसे अल्कोहल है, है ना, जैसे हेलो एल्केन है, ठीक है, ये नॉन कार्बोनिल कंपाउंड है. इनसे इनसे एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन? ये जो सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बन रहा है, है ना, इस रिएक्शन की हेल्प से, एडिशन ऑफ NaHNaHSO3, इसकी हेल्प से हम लोग कीटोन से एल्डिहाइड को सेपरेट कर सकते हैं और प्यूरिफाई कर सकते हैं. किससे? नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से. तो मेथड क्या रहेगा इसके प्यूरिफिकेशन का? मेथड क्या रहेगा भाई? मेथड बहुत सिंपल है. क्या बेसिक प्रिंसिपल है उसका, है ना, ये जो लिखते जाओ, चलो इसको लिख लेते हैं, बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट, फटाफट लिख लो, बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट. आप लोग हर रिएक्शन एक फ्रेश पेज में लिखो, है ना, आप लोगों को अच्छा लगेगा, सारे पॉइंट उसे एक पेज में ही आ जाएंगे. बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट आर वाटर सोल्यूबल. ये क्या है? वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, है ना, एंड गिव्स द ओरिजिनल प्रोडक्ट, लिख लो, एंड गिव्स द ओरिजिनल एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन कीटोन when reacts with dilute mineral acid or alkali. अब मुझे बताओ भाई, मिनरल एसिड किसको बोलते हैं? बोलो भाई, मिनरल एसिड किसको बोलते हैं, अल्कली किसको बोलते हैं, फटाफट बताओ. आप लोग लिख लोगे मिनरल एसिड का मतलब पता नहीं चलेगा तो क्या मतलब है ना. मिनरल एसिड देखो तीन होते हैं, HNO3, H2SO4 और HCl, इनको बोलते हैं मिनरल एसिड. पूरा ध्यान रखना, इनका ध्यान रखना, मोस्ट ये मिनरल एसिड है, HNO3, H2SO4, HCl, ठीक है. और एल्कली किनको बोलते हैं? बेसिस को बोलते हैं, है ना, जो आपके NaOH KOH है ना, ये क्या हो गए? एल्कली हो गए, ठीक है, ये हो गए आपके एल्कली, ठीक है. तो इनसे रिएक्शन कराते हैं तो वापस क्या बन जाता है, बताना जरा, बताना भाई, बाइसल्फाइड की रिएक्शन इनसे कराएंगे तो वापस क्या बन जाएगा? कोई तो बोलो. एल्डिहाइड और कीटोन. यस यस, वापस वही एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा, ठीक है, वापस वही एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा, जैसे हमने ये HCl से रिएक्शन करवाई है, है ना, या फिर और हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं NaOH, कोई भी ले सकते हैं, उससे हम वापस वही एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा. ये लो, ठीक है, कोई भी लेंगे तो ये वापस यही बन जाएगा. ये हमारा इस तरह से देखो, हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर लिया भाई. पहले जिस भी मिक्सर में आपका एल्डिहाइड और कीटोन है ना, मान लेते हैं उसे सेपरेट करना है हेलो एल्केन से या किसी और से.